नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, हमारी ओर से सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार शुरू करते हैं। उससे पहले बोलिए जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, भगवद गीता हमारे हिंदू धर्म में हमारा एक धर्म ग्रंथ है, जिसे सभी ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो शिक्षाएं शामिल की गई है उसे श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। अगर आप संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता सुनना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो को सुन सकते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता का सिर्फ सार है, निचोड़ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी का हमें जो शिक्षा देने का आशय है, सिर्फ वो आशय है, सार है। आइए शुरू करते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमें क्या उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और बारिश को लाता हूँ और मैं ही बारिश को रोकता हूँ। मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी जीव की मैं ही हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझसे ही हैं। हे अर्जुन, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर से जन्म यानी पुनर्जन्म भी निश्चित है। हे अर्जुन, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे कभी नहीं पा सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म और मृत्यु के रास्ते पर वापस आते हैं और जाते रहते हैं। हे अर्जुन, प्रत्येक बुद्धिमान आदमी को क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। क्रोध में भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्याग्र होती है और जब बुद्धि व्याग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से यानी एक ही नज़र से देखता है, बराबर समझता है, वही श्रेष्ठ योगी है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के मेरे रूप में मेरा स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। हे अर्जुन, जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन से कहते हैं, अनेक जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी ही शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं सब जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। हे अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मैं ही हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं ही हूँ, आकाश में ध्वनि मैं ही हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य मैं ही हूँ। हे अर्जुन, डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण कभी नहीं होता, डर केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है,
किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही स्वयं निर्मित करता है। हे अर्जुन, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण में आते हैं, मेरी शरण को ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप ही मैं उन सब को फल देता हूँ। हे पार्थ, धन और स्त्री सब के सब एक नाश रूप हैं। मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होता, मेरी भक्ति अटल है। हे पार्थ, जो मेरे आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर भी इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता। वह बार बार फिर ना जन्मता है और ना ही मरता है, अपितु मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। पार्थ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध कभी नहीं है। हे पार्थ, निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। अर्जुन, जो लोग निरंतर जिस भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उन सब को मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उस सब की मैं रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, जब भी और जहाँ भी अधर्म बढ़ेगा, तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेता ही रहूँगा। हे अर्जुन, भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय सखा हूँ। मैं सृष्टि तथा ब्रह्मांड सबका आधार हूँ, सबका आश्रय हूँ तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा सखा है, सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए यह मन ही सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे फूल, फल, पत्र और जल प्रदान करता है, तो मैं उसे भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। पार्थ, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा आगे वो भी अच्छा ही होगा। हे पार्थ, मेरा तेरा, बड़ा छोटा, पराया अपना मन से मिटा दो, और फिर सब तुम्हारा है और तुम ही सबके हो। मनुष्य जो भी चाहे वही बन सकता है, अगर वह विश्वास के साथ, यानी अपने मन में विश्वास हो और इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्म फल पर के प्रति निश्चिंत है और जो अपने कर्तव्य का पालन भी करता है, वही असली योगी है। हे पार्थ, जो बुद्धि, धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाता, वह राजा के योग्य है। जो पुरुष न तो कर्मफल की इच्छा ही करता है और न कर्मफलों से नफरत ही करता है, यानी कर्मफलों से जो घृणा भी नहीं करता, वह सन्यासी माना जाता है, जाना जाता है। हे अर्जुन, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए हर एक व्यक्ति को व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, यानी हमें अपने कर्मों के गुणों का पालन करना चाहिए। गुरु दीक्षा बिना कोई भी प्राणी कितना भी कुछ करे, सब कर्म निष्फल होते हैं। इसलिए गुरु दीक्षा हर प्राणी के लिए बहुत आवश्यक है। हे पार्थ, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रह कर भी दिव्य स्थिति में बना रहता है। हे अर्जुन, फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बना पाता है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, फल की चिंता भी मत करो। हे अर्जुन,
तुम्हारे तथा मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और मुझे तो वो सब जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना तो उसे फल ही मिलता है और ना ही वो कर्म ही है। हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को छोड़कर नया भौतिक शरीर धारण कर लेता है। हे पार्थ, खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का सिर्फ एकमात्र मार्ग है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में कभी भी विचलित नहीं होता और ना ही इन दोनों में चिंता करता है और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में है। हे अर्जुन, जीवन तो इस क्षण में है जो चल रहा है। हे पार्थ, जो जीवन के मूल्य को जानता है, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयस की ही प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवन के लिए और न ही मौत के लिए शोक करते हैं, यानी उनके लिए जीवन और मौत बराबर होती है। हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है, छोड़ देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको तो निश्चल बुद्धि कहते हैं। हे पार्थ, मैं हर जीव के हृदय में परम पिता परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा के अनुसार स्थिर करता हूँ, जिसे वह उसी विशेष देवता की ही भक्ति कर सके। हे अर्जुन, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में ही देखता है, सब चीज़ों में मेरा ही स्वरूप देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। हे अर्जुन, परमेश्वर हर एक जीव के हृदय में विराजमान है। हे पार्थ, जो बहुत खाता है या कम खाता है, या तो जो बहुत सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। भगवत गीता के अनुसार नरक के तीन द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। हे अर्जुन, ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग भी सिखाया। भगवत गीता किसी के कार्य के परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों को करने के महत्व पर बहुत जोर देती है और इसे कर्म योग के रूप में जाना जाता है, और यह भी सिखाता है कि हमें किसी भी पुरस्कार की यानी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। भगवत गीता का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। इसमें जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करके परम वास्तविकता के में विलय हो जाना है, जो कि परब्रह्म परमात्मा है। हरि प्रेमियों, कुल मिलाकर हमारी भगवद गीता में हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर अंतिम लक्ष्य यानी उस परम पिता परमात्मा में विलय का पाठ सिखाती है और अपने कर्तव्य से जीवन जीना सिखाती है। हरि प्रेमियों, भगवद गीता कहती है कि यदि आप सफल जीवन जीना चाहते हैं, सफलता की तलाश में फिर रहे हैं, तो आपको कभी भी फल के लिए चिंता और भय से भरे हुए मन से कभी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भगवद गीता एक और तो केवल अमर यानी भगवान श्री कृष्ण द्वारा नश्वर, दूसरी तरफ परम सत्य है,
नश्वर जीव को परम सत्य में मिल जाना सत्य का एक दिव्य गीत है। प्रेमियों, आपको ये गीता सार, संपूर्ण गीता सार यानी गीता ग्रंथ का ये निचोड़ कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।